हेट हो रहा है, जब ट्रायल खत्म होगी तब थंबनेल लिया जाएगा। एक नंबर नहीं, बैठ कर सकता हूँ मैंने इतना ट्रैवल किया है, राजधानी में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिला सूप। लॉलीपॉप खाना है, मांडवी में आ जाओ खिला दूंगा। हाँ जी की जी सारे सत श्रीकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज की जर्नी होने वाली काफी धमाकेदार, आप भाई समझ गए होंगे। अभी मैं हूँ मुंबई की लोकल में और आज मैं जर्नी करने वाला हूँ इंडियन रेलवे की या फिर कोंकण रेलवे की फूड की में। जी हाँ, मांडवी एक्सप्रेस में आज हम जर्नी करेंगे। वैसे मैंने शायद 2 साल या 3 साल पहले जर्नी की थी, काफी मजेदार था यार, क्या फूड है उसका। तो आज सोचा क्यों ना जर्नी करते, और अभी लोकल ट्रेन में हूँ, MMCT मुंबई सेंट्रल से जा रहा हूँ दादर। वैसे मुझे पकड़नी थी इसको CST से, बट नहीं, प्रॉब्लम आपको पता यार, पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, लेट हो गया था उठने में। तो जा रहा हूँ दादर, दादर से बोर्ड करेंगे और भाई मजा आएगा, और काफी लोग भी साथ में, भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे मिलवाएंगे, करेंगे फिर धमाकेदार जर्नी की शुरुआत। थोड़ा सा पहले लोकल का मजा ले रहा है, बारिश चल रही है, मॉनसून राइड स्टार्ट होने वाली है। भाई मुंबई सेंट्रल का यार सामने खड़ी है गोल्डन टेम्पल मेल, और बारिश ऐसा मौसम हो तो भाई जर्नी का मजा दो गुना हो जाता है। ये देख लो मुंबई की लोकल, आपने वैसे बहुत बार देखी भी होगी, बट भाई मैं लोकल में जा रहा हूँ, मज़ा आएगा यार बहुत ज़्यादा, क्या बात है। दादर पहुँच चुका हूँ, अब दादर की दो साइड, एक वेस्ट साइड एक सेंट्रल साइड जा रहा हूँ, सेंट्रल साइड पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, वहीं से बोर्ड करेंगे मांडवी एक्सप्रेस, क्योंकि वो आती है CSMT से ना, तो वो सेंट्रल से होकर जाती है। चलिए तो टाइम देख लो भाई, 7:53 हुआ, अभी गाड़ी आई नहीं है, 7:20 का टाइम था, एक्चुअली लेट हुई है, रीजन मैं आपको बता दूंगा जैसे गाड़ी आएगी, बोर्ड करने के बाद बता देंगे। और यहाँ पर आ चुके हैं हमारे सौरभ भाई, कैसे भाई, ऑल गुड रेडी? तो सौरभ भाई वैसे तो आप ट्रैवल करते रहते हो ना इस ट्रेन में, है ना, तो कोंकण का भी रूट मजा आने वाला है ना, अरे पूरा कवर करेंगे आज, सौरभ भाई हैं, पूरी हेल्प करेंगे मेरी, बताएंगे मजा आएगा। बाकी आगे चिनमय भाई भी हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, अराइवल आएगा, चलो देखते हैं। और वेदर इतना बढ़िया है मुंबई का यार, मुंबई का वेदर का मजा अच्छा, चलो भाई मजा आएगा। चलिए जी देख लो, ये वाला हमारा कोच है, आज B2 3AC में ट्रैवल करने वाले हैं। लेट होने का रीजन भी ये था, जो इसकी ट्रेन है ना, इसका रेक शेयर होता है कोंकण कन्या एक्सप्रेस के साथ, तो वो थोड़ी सी डिले आई थी, इसलिए ये डिले निकल रही है। आज अपने कोच में आ गए हैं, सीट नंबर 29, तो ये वाला हमारा सीट है, 29 है मेरा, हाँ ये खाली है, अभी करंट में देखा था, लाइट ऑन कर देते हैं, होगी लाइट ऑन, ठंडा है यार थोड़ा ना, अच्छा लग रहा है, मिडल सीट दे दी आज, खाली है करंट में यार भाई, दे दो यार, ये रत्नागिरी मानगांव तक पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी, मजा आएगा, पर्सनल फर्स्ट एसी हो जाएगा। तो भाई डिपार्चर हो चुका है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, और यहाँ पर देख लो पानी बरसना स्टार्ट। बाकी इस ट्रेन का मैं ट्राई करूंगा थोड़ा थोड़ा सब कुछ, मतलब जितना पॉसिबल होगा आपको टेस्ट करके बताऊंगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इस ट्रेन में तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ अच्छी मिल रही है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट आज सौरभ भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी नॉनवेज खा लेते हैं, तो भाई वो भी आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसका भी रिव्यू मिल जाएगा। आराम से हम बैठे हैं, ये वाली सीट सभी खाली थी, और अब खाना पीना निकलती स्टार्ट हो चुके हैं, ले लेते हैं ना। तो आप बता रहे थे क्या इसका मतलब, शीरा अच्छा होता है, अच्छा गरम गरम अभी बना है, अच्छा, और सब नॉर्मल बनते हैं, देखते हैं जो भी है, तो टेस्ट करते हैं। बाकी चिनमय भाई भी आ जाएं तो और मजा आ जाएगा, बैठे कोई नहीं, हो जाएगा साथ में, हो जाएंगे। देखिए भाई साहब गरम, पूरा गरम भाई, थैंक यू। इसको अनबॉक्स करते हैं, अरे भाई एसी लोकल, देखते हैं कैसा है। ओके उपमा भाई, देखो आप दिख रहे हैं ना, पूरा गरम गरम, पकड़ने नहीं, और नहीं पकड़ा नहीं जा रहा। और ये साथ में हो गए हैं कटलेट, डेकोरेट करते हैं बस। ऐसे मैं बता दूं, ब्रेड कटलेट लिया है, और इसमें देखो पहले से बटर लगा हुआ है, मैंने तो मेरे ख्याल से कोई भी ट्रेन में नहीं देखा प्रॉपर वे में इन्होंने बटर लगाया हुआ है। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं इसी को, ये वाले को टेस्ट करते हैं, उपमा सीरा, एक नंबर गरम से पीछे यार, टक्कर दे रहा, ये ट्राई करो,
ये स्वीट होगा ना? हाँ स्वीट होगा। चलो इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। एक नंबर। और इसका प्राइस 50 rupees है ना, लेकिन क्या है कि प्राइवेट को कैटरिंग लग है ना, IRCTC थोड़ा अलग है, अलग है लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट है। अब सौरभ भाई टेस्ट करेंगे कटलेट, आप बताना टेस्ट है। चलो सौरभ भाई टेस्ट करके बताओ। शेप भी देखो ना कितना मस्त, एकदम राजधानी के फर्स्ट ऐसे में होता है ना, मतलब वैसे टक्कर दे रहा है पूरा ना, गाजर वगैरह सब कुछ है देखो, गरम गरम क्या बात है। टेस्ट करो फिर बताओ कैसे है। बढ़िया ओपी, क्या बात है, एकदम गाजर वगैरह एकदम। चलो मैं वैसे ही टेस्ट कर लेता हूँ, नहीं दिखने में ही पता लग जाती है चीज का ना, मतलब जो क्वालिटी है ना वो दिखने में पता लगता है। बिना केचप के साथ भी खा सकते हो, क्रिस्पीनेस देखो ना तुम। भाई सच है, देखो हमारे कहने पे कह रहा हूँ, ट्राई करके देखना आप खुद समझ जाओगे भाई कैसी क्वालिटी है। इंडियन रेलवे की छवि चेंज होगी पूरी, जो लोग कहते हैं ना खाना नहीं मिलता, ये है कि रेट थोड़ा ज्यादा लो बट क्वालिटी दो यार, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं बहुत सही है, मैं तो कहता हूँ ऐसी कैटरिंग हर ट्रेन में कर दें तो भाई मजा आ जाएगा ना, पसंद करेंगे ट्रेन में ट्रैवल करना। करेक्ट। तो थाने भी आ चुके हम, तो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ पर थाने आ गए, देखते हैं यहाँ पर आएगा सभी, तो गाड़ी खाली है लेकिन यहाँ से फील हो सकता है। तो ये देख लो, ये आ चुके हैं हमारा वड़ा पाव और गर्मा गर्म है ये भी बिल्कुल वड़ा पाव। यहाँ पर देखना सब कुछ जो भी मिलेगा आपको गर्मा गर्म फ्रेश मिलेगा, पेंट्री में ही बनता है इसलिए यहाँ पर। चलो खाते हैं भाई, टेस्ट करते हैं, बताते हैं इसका कैसा है टेस्ट। को पता है महाराष्ट्र में आए हैं तो चटनी के साथ वड़ा पाव तो खाना बनता ही है ना। थैंक यू। बिल्कुल मेरे मतलब पे, ज्यादा स्पाइसी नहीं है अभी, मैं स्पाइसी ज्यादा खाता नहीं हूँ, बिल्कुल फ्रेश है। तो मॉनसून का मजा ही अलग है, देख रहे हो आप पनवेल आने वाला है और झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम। और देखो कौनकन में तो अलग ही मजा आएगा फिर। अब जी तो पहुंच चुकी है ट्रेन पनवेल के अंदर, यहाँ पर हम पहुंचे हैं 52 मिनट्स डिले। और वैसे मैं बता दूं ना, यहाँ से भी काफी लोग बोर्ड करते हैं, अभी ट्रेन पूरी पैक हो जाएगी। टीडी सर आए थे, उनसे पूछा, कहते भाई कोई सीट खाली नहीं है। कौन सुनो कुछ नहीं बताया, अभी इतनी देर बारिश आ रही थी, अब देख लो बारिश रुक गई है। ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट सब कुछ बहुत ही बढ़िया था ट्रेन का। चलिए अंदर चलते यार, साइड लोअर सीट नहीं मिली, साइड लोअर मिली होती ना तो फिर मजा आया था, जैसा भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन रोहा से भाई मेन कौनकन वाला रूट बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा रोहा के बाद शायद, तो वो भाई आप देखना, एंजॉय करना इस वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक करके जरूर जाना। जैसे बोला था भाई, गाड़ी पूरी पैक, एक एक सीट पैक हो चुकी है अभी, लेकिन आगे खाली हो जाएगी रत्नागिरी के बाद तो मोस्टली। तो भाई पूरा डिपार्टमेंटल स्टॉल चल रहा है, सब कुछ मिलता है, चूरन की गोलियों से लेकर सौंफ सब कुछ। क्या यार बढ़िया। तो भैया आए हैं लंच का ऑर्डर लेने, पूछ लेते हैं क्या 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 लंच, वेज नॉन दो बहुत 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 सॉरी आ जाए, वेज बिरयानी है, वेज फ्राइड राइस है। अच्छा तो क्या क्या है वेज में, वेज बिरयानी है, वेज फ्राइड राइस है, बटर पनीर है, कढ़ाई पनीर की बटर पनीर का सब्जी, दो रोटी राइस, कढ़ाई पनीर की सब्जी, दो रोटी राइस, नहीं तो फ्राइड राइस मंचूरियन। यहाँ तो डिपार्टमेंटल स्टोर बना हुआ है, पूरा खाना रेस्टोरेंट चल रहा है ऑन द व्हील्स है। तो क्या ऑर्डर दिया हमने लंच के लिए, पनीर बटर मसाला ट्रेन में मिलता है कभी ना। हाँ दही की चटनी है, दही चाहिए बस बस बस, पर दही मिलती है साथ में। बिल्कुल गर्मा गर्म है ये भी, कैसा लगा भाई आपको? बहुत मस्त है, गर्म है ना? हाँ मस्त लग रहा है, मेरा तो फेवरेट है साबूदाना वड़ा। अच्छा मैं एक चीज बताऊं आपको, जब कॉफी बच जाए ना तो आप इसके अंदर डाल के इसको चला दो, लेकिन ऐसा काम ना करो, इसके अंदर डाल के और ये देख लो अभी सारा गंदा हो गया, कोई भी चल गया खराब हो जाएगा, ये गलत काम ना करो यार है ना। अगर नहीं पता तो आपको मैंने बता दिया, बस इसमें डालो, साफ करो, पानी डालो और इसके अंदर फिर खाली कप डाल दो।
ट्रेन पहुंच चुकी है मनगांव में और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 32 मिनट्स डिले, वैसे थोड़ा बहुत कवर भी किया है यार। कितने सुंदर रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल सिंपल से, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही। बारिश हो जाए लेकिन मौसम बना हुआ है, यहाँ पर आओ मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा, गंदगी ना फेंटाएं, देखो काफ़ी गंदगी पड़ी है, तो इस बेटर रहता है भी अपने हाथ में भी होता है, आप क्लीन रखें इस चीज़ को। अब उधर से आ रही है मंगला एक्सप्रेस, तो उसकी क्रॉसिंग भी देखेंगे। और ये कौन स्टार्ट हो चुका आगे, लेकिन आई गेस वीर तक ये डबल लाइन है, लेकिन वीर से हो जाएगा सिंगल लाइन सेक्शन। काफ़ी लोग मनगांव में उतरे हैं, मैं देख रहा हूँ ना पूरी भीड़ उतर चुकी है मनगांव में। लेकिन मैंने सुना है अभी इसके अगला जो स्टेशन है ना वहाँ पर भी काफ़ी लोग उतर जाते हैं और ट्रेन खाली हो जाती है। लेट्स सी, देखते हैं। चलो भाई, अब जादू का पिटारे से आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखाता हूँ। बस में अपने एंजॉय किए, ट्रेन में भी एंजॉय करो। अभी हमें यहाँ पर रोका गया है क्योंकि आपको पता है इसके बाद सिंगल लाइन स्टार्ट हो जाएगा और आगे आ रही है गरीब रथ एक्सप्रेस जो हमारी कोचीवेली से चलकर एलटीटी जाती है। बारिश का मौसम है बाहर और सूप ना पिए ऐसे कैसे उतरते हैं, क्यों जी? गर्मा गर्म सूप, थैंक यू। मैंने तो किसी ट्रेन में ना राजधानी के अलावा ब्रेडस्टिक नहीं देखा सूप के साथ। चलो भाई टेस्ट करते हैं, आपको पता है फूडी ट्रेन है, खाना पीना तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये नॉर का सूप नहीं है कोई, इन्होंने बनाया है 100% श्योर। भाई पैकेट वाला सूप नहीं, इन्होंने बनाया है। हाँ अच्छा है, टेस्ट में काफी बढ़िया लगा मुझे। किन बैठी हो? लॉलीपॉप गरम है? अच्छा तुमने ऑर्डर किया ना? हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेज हूँ। तो चलो यार सही है यार, सब कुछ ऑन डिमांड मिल रहे हैं अभी तो। वो कह रहे थे शाम में क्या खाओगे, पूछ रहे हैं, वो जो खाओगे वो बना देंगे। ठीक है, नहीं बैठ कर सकता हूँ मैंने इतना ट्रैवल किया है, राजधानी में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिला सूप का, बैठ कर सकता हूँ इस चीज का, बिल्कुल प्योर टेस्ट आ रहा है। मतलब राजधानी में हमने ट्रैवल किया, फर्स्ट एसी में भी ऐसा सूप नहीं मिला ना, फर्स्ट एसी में भी नहीं, नहीं है कोई भी ट्रेन में नहीं मिला।
ओके बाय, नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा मिलके। खेड़ पहुंच गए, अच्छा यार वह, अच्छा अच्छा वहाँ से ले लेता हूँ। बाकी 246 किलोमीटर हमने कवर कर लिया मुंबई से। खेड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, आपको मैं बता दूँ, खेड़ और सावंतवाड़ी के आसपास, रत्नागिरी के आसपास सारी ट्रेन ऑलमोस्ट 70% कहते हैं खाली हो जाती है, बट सीजन चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। खाली हो जाएगी ना तो बढ़िया, एक इंस्टाग्राम के लिए रील बनाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, शायद जल्दी देखने को मिल जाए। चलो पानी ले लेता हूँ यहाँ से ठंडा, देख लो यहाँ पर चिल्ड पानी की बॉटल मिली, और खास बात पता है क्या, 15 रुपये की दी है। बाकी देख लो बगल में खड़ी है रोरो ट्रेन, इसमें बहुत मन है जर्नी करने का, कुछ सेटिंग होगा कभी तो करवाएंगे जर्नी आपको। अभी थोड़ी देर में आने वाला है चिपलून, और वेदर फिर से भाई बहुत अच्छा हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ खाने भी आ गए हैं, और चिन्मय भाई आ गए। कैसे भाई लोग, सब लोग आ चुके हैं, कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया यार, खाना कितना बढ़िया है ना। अभी बात चल रही थी हमारी, तो सूप है अभी तो सजा अभी तो पूरा टेबल सजाया जाएगा, उसके बाद शूट होगा। वैसे देखो टनल आ गया, टनल पे टनल आती है। सारा खाना जितना आया है सब एक बार अनबॉक्स कर रहे हैं, बट एक बार सजा लेते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। सौरभ भाई ने लिए पूरी ड्यूटी पूरा भर देंगे टेबल अच्छे से। चिपलून से अभी जस्ट डिपार्चर हुआ हमारा, यहाँ पर वेट हो रहा है, जब टनल खत्म होगी तब थंबनेल लिया जाएगा तो वो करना पड़ता है ब्लॉगिंग के लिए, मतलब क्या लोग कैसे बोलते हैं भाई, तो रेस्टोरेंट ही है ये, डिपार्टमेंटल स्टोर लेकर चल रहे हैं पूरा भाई। अगर आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएगा, मिक्स फ्रूट सैलेड, थैंक यू भैया। ये सब कुछ है, वेज में है ये पनीर बटर मसाला, साथ में ये राइस हो गए, बाकी सब नॉन वेज है। गुलाब जामुन भी मिलते हैं आपको इस ट्रेन में, पहली बार शायद किसी ट्रेन में भाई गुलाब जामुन मिल रहे होंगे। नॉन वेज है तो भाई लोग हैं सब, कैसा लगा नॉन वेज? अच्छा लगा। आप तो ट्रैवल, मतलब फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हो इस ट्रेन में, बहुत है ना, मस्त है। वैसे मैंने भी ट्राई किया सुबह, मेरे को तो सूप बहुत अच्छा लगा, मैं बारी बारी बोलूंगा ट्रैवल नहीं नहीं है 100% नहीं है। तो नॉन वेज अगर आपको पसंद है तो भाई आपके लिए यहाँ पर चिकन लॉलीपॉप है ना, ये भी मिल जाएगा। चलो ये मैं टेस्ट करके बता दूंगा कैसा है इसका टेस्ट। चपाती यहाँ से नहीं ली, सौरभ भाई लेकर आए थे घर से, क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, पोड़ी पोई पोड़ी पोड़ी पोड़ी, तो टेस्ट करके देखते हैं ग्रेवी के साथ। थोड़ा स्वीट टच में लेकिन अच्छा है, काफी बढ़िया है। पनीर भी अच्छा है, तो मैंने वेज में सिर्फ यही चीज मंगवाई थी, नॉन वेज में चिकन लॉलीपॉप और चिली चिकन है, बाकी आपको राइस में फ्राइड राइस भी मिल जाएंगे। इवनिंग में भी टेस्ट करेंगे, कुछ बोला है ना फ्राइड राइस टाइप कुछ बोला है, तो वो भी आपको टेस्ट करके बता देंगे। चलिए खाना एंजॉय करते हैं, ऑलरेडी ठंडा हो गया, फोटो शूट आपको पता थंबनेल लेना भी जरूरी होता है ना। खाना तो मैंने खा लिया है, अब बारी है मिष्ठान की, मीठा ट्राई करते हैं। मांडवी स्पेशल गुलाब जामुन, टेस्ट अच्छा है, मजा आ गया। इतनी तेज हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है उड़ जाऊंगा, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, दोनों गेट खुले हैं। संगमेश्वर रोड पे खड़े हैं, सामने से आ रही है मडगांव राजधानी। मडगांव राजधानी, इसका भी आएगा, इसको रेड सिग्नल दिया हुआ तो रोका जाएगा। तो अभी आने वाले रत्नागिरी, पूरा वैसे तो गेट तो पूरा पैक है, तो यहीं से अराइवल देख लेते हैं। गाड़ी पहुंच चुकी है रत्नागिरी में, और यहां पर हम पहुंचे एक घंटा लगभग 5 मिनट डिले, और अब हम आगे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं जी? लोगों के पास जा रहे हैं, और कुछ शॉट्स लेंगे बढ़िया। सौरभ भाई कहते चलते हैं भाई, सौरभ भाई डीजल
डीजल फैन है और इसी गाड़ी को लगता है ना सिर्फ इसी रूट पे अभी दो तीन गाड़ियों को लग रहा है बस। तो चलते आगे, तो यहाँ पर आइए दुरंतो एक्सप्रेस, देख सकते हैं एर्नाकुलम LTD दुरंतो एक्सप्रेस आगे आ चुके हैं बिल्कुल। और ये हमारा देख लो भाई WDP 4D और ये रहा हमारा बोर्ड। अब हम बैठने वाले हैं इस कोच में इधर और यहाँ से कुछ शॉट्स लेंगे बढ़िया वाले। और ये हमारा कबूतर भी लेकर आए, कबूतर से भी आपको दिखाएंगे। चलिए सिग्नल हो गया, अंदर चलते हैं। आप खूबसूरत नजारा है यार, ब्यूटीफुल। आ चुके हैं, ये आ गया यहाँ का डोसा, सेट डोसा है, टेस्ट कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया है। अभी चटनी तो एक नंबर है इसकी, ऑर्डर दे रहे हैं शाम के लिए सारे लोग। मैं एक वेज मेरा बस, अभी तो डोसा चल रहा था यहाँ पर और भाई जी कह रहे थे कांदा भजी खिला के जाएंगे, खिला दो फिर अब क्या करें, गर्मा गर्म। तो भाई जी, अरे अभी ठीक है, ये वाली गर्म है अच्छा आलू है ना। हाँ अभी जस्ट उठा ही था और हमारी ट्रेन अभी जस्ट निकली है कुडाल से। बाकी भैया बता रहे थे किस चीज के लिए मतलब लोग यहाँ पर उतरते हैं और क्या चीज़। कुडाल से आप मालवण जा सकते हैं, फिर सिंधुदुर्ग फोर्ट जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो ज्यादा, मैंने देखा काफी लोग उतरे हैं, बहुत लोग। ऑलमोस्ट अभी देखोगे आप पूरा अपना ट्रेन तो खाली हो चुका है, पूरा पूरा हम आराम से चिल कर रहे हैं, हमारा पर्सनल कैबिन हो गया है ना। देखो भैया वहाँ बैठे हैं, सौरभ भैया सारे नींद मार ली है, आपने मारी क्या नींद? अरे सबने नींद मार ली, ये ट्रेन ऐसी है, खाओ पियो सो के उठो फिर खा भी लो अब खाने की तैयारी होगी। देखो भाई रात हो गई है, वैसे मैं 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अंधेरा हो गया है और आगे से शायद कोकन कन्या एक्सप्रेस आने वाली है तो वो उसका क्रॉसिंग, देखो ग्रीन सिग्नल है ना वहाँ पर, इट मीन्स क्रॉसिंग होगा, सिंगल लाइन है ना। लिटरली सच बताऊं, यू वॉन्ट बिलीव, हमारा कोच पूरा खाली है, सिर्फ हम लोग बैठे हैं। ट्रेन पूरी खाली हो गई जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम अपने आराम से सब भाई लोग बैठे हैं चिल कर रहे हैं। आ गया भाई हमारा डिनर, तो डिनर में ये है वेज फ्राइड राइस, आप भी वेज, कैसा है टेस्ट आपने किया? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा। आपने टेस्ट नहीं किया? या, मैंने टेस्ट किया ना, बहुत बढ़िया है। अच्छा ये लॉलीपॉप भी जो दोपहर में खाया था फिर से कितना पसंद आया वापस है? क्वालिटी अच्छा है इसका। चलो भाई सब लोग खा लेते हैं, वैसे आपको रिव्यू तो दे दिया था दोपहर में, डेली का। अच्छा लॉलीपॉप खाओगे तो लॉलीपॉप खाना है, मांडवी में आ जाओ खिला दूंगा। ट्रेन पहुंच चुकी है थिविम में और अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना ना तो यहीं पर उतर जाना, काफी लोग यहाँ पर उतरे भी हैं बट मैं तो मडगांव तक जाऊंगा डायरेक्ट। अभी एक घंटा डिले आई है ट्रेन, एक घंटे से ज्यादा, बट आपको बताता हूँ ऑन टाइम ही पहुंचेगी। तो देख लो बाहर मौसम फिर से बढ़िया हो गया, बारिश आ रही है और अभी ब्रिज आने वाला है गोवा। आपको पता है गोवा आओगे तो ये ब्रिज मिस नहीं कर सकते, ज्वारी ब्रिज आएगा इस नेम। क्या बात है, बहुत सुंदर। थर्टी एफ पी एस करके एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत है 30 FPS पे।
पहुंच गए हैं, पहुंचने की संभावना नहीं है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, देख लो मडगांव में, और हमारा होटल भी उसी साइड पे सामने ही है बिल्कुल। फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन मडगांव में, और यहाँ पर बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे, 2 मिनट डिले पहुंचे थे आपको मैंने जैसे बोला था, स्लैग दिया होता काफी ज्यादा, तो पहुंच जाते हैं आराम से। अब चलते हैं बाहर, चलते हैं होटल में, चलते हैं वहीं पर फिर व्लॉग की एंड करेंगे। होटल भी आपको दिखाए थे, मुझे तो खुद ही नहीं पता कौन सा होटल बुक किया है। हाँ जी, तो भाई रूम में चेक इन कर लिया, और रूम बिल्कुल जस्ट बाजू में था, 500 मीटर भी था, कौन सा था, ऑल सीजन ना, ऑल सीजन करके था, तो ठीक है, डिसेंट रूम है, काफी बढ़िया है, रात स्टे करने के लिए तो बहुत बढ़िया। इसके लिए हमने 2100 रुपीज दिए। बाकी ब्लॉग की अगर मैं बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की, तो मजा आ गया। कंडीशन वॉशरूम की, मैं लास्ट तक गया था, वॉशरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। खाना पीना तो आपको पता है इस ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली। चलिए, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा, देखो टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन आप इंजॉय करोगे जर्नी को, ये मेरा वादा रहा। खा के देखना फूड और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आपने ट्रैवल किया पहले तो भी बताना। चलिए, आपको मिलूंगा भाई नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप ऑलरेडी भाई सब कुछ सेट रहेगा, तो आप ऑलरेडी वो व्लॉग देख चुके होंगे जिसलिए हम यहाँ पर आए हैं। वंदे भारत आपको मैंने दिखाई है, उसकी जर्नी करने के लिए आए हैं। कल इनॉग्रल होगा, उसके लिए तैयारी करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भाई साहब ख्याल रखना अपना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा। चैनल पे नए मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। लाइव अपडेट्स देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जर्नी भी देखे पे आओ, जल्दी से आओ, करते हैं बातचीत, आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।